यस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो 2047 के आसपास थी, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं अगर 38 को स्टे करता है और इसके नीचे अगर कोई क्लोज ना करे बड़े टाइम का, इट मीन्स कम से कम 15 मिनट या फिर उससे ऊपर का, तो यहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश हो सकता है और वो 2062 तक भी जा सकता है। तो ये कल वहाँ से नीचे की तरफ मूव हुई और तकरीबन जो है वो 2036 का लो लगाने के बाद क्लोज जो है वो 2038 के नीचे कोई भी नहीं लगा, M15 या इससे ऊपर का, M15 का क्लोज नहीं लगा, और M15 की क्लोज ना लगने की वजह से यहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश हुआ और फिर हाई लगा 2048 का। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो आज के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो 2051 अपसाइड और 2038 जो है वो डाउन साइड। ये एक रेंज है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अगर अब देख लेते हैं खैर यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन बनती है। अभी तो फिलहाल ये अगर यहाँ से 2043 का जो एरिया है, अगर ये एरिया अगर ब्रेक ना होता, मैंने वैसे लेवल लगाया नहीं है लेकिन ये यहीं स्टे कर रहा है, अगर ये यहाँ स्टे करता है तो इस तरह ऊपर जा सकता है, और अगर ये दोबारा यहाँ से यहाँ कहीं से रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास ये फर्स्ट होगा दोबारा, और अगर ये इसको शेडो लगा के भी आता है तो मेरा ख्याल है ये दोबारा वापस यहाँ तक आएगा। अगर अपसाइड शेडो लगा के आता है तो फिर एक चांसेस अच्छे होंगे यहाँ इस तरह बनने के। और आज न्यूज़ भी हैं तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा, और अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर इसके पास अब जो है वो ये चांसेस हैं यहाँ तक के। और आज क्योंकि आज न्यूज़ भी हैं काफ़ी तो हो सकता है कोई बड़ी मूव लग जाए, तो इसलिए आप लेवल टू लेवल ही फॉलो करिएगा। ये अभी जो जिस एरिया के अंदर मार्केट मूव कर रही है ये पूरा एक रेंज है, 2051 अपसाइड और 2038 डाउन साइड। फिलहाल अगर हम यहाँ देखें तो एक रिजेक्शन शो की हुई है, बिल्कुल प्रॉपर टेस्टेड है और एक अच्छा खासा एच फोर सेल क्लोज है, लेकिन मैं फिलहाल इसको आप डाउन साइड या अपसाइड की बात नहीं करूँगा। हो सकता है कि आप जाकर और फिर वहाँ से एक जो है वो गिरे, और मेरा ख्याल है कि 2051 या फिर ये एरिया अगर आप बाय बाय देता है तो इससे ज़्यादा बाय मत होल्ड करिए, क्योंकि अगर ये अपसाइड से फिर रिजेक्ट हुआ तो इसके पास ये ही जो है वो रास्ता बचता है नीचे का ही। तो इसलिए इस तरह की पोजीशन देखिएगा ऊपर के एरिया में, क्योंकि 2062 जो है वो इस वीक का ओपन है, और मैंने पहले भी बताया था इस वीक के स्टार्ट में कि मुझे ये वीक सेल में होता क्लोज होता हुआ दिख रहा है, फिर चाहे वो 20 पिप हो, 50 पिप हो या 100 पिप हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो यह है कि 2062 से नीचे ही कहीं ये वीक का क्लोज लगने के ज़्यादातर चांसेस है जो मुझे लग रहा है। तो इसलिए आप ऊपर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2051 जो ये एरिया है इससे ऊपर बाइंग मत होल्ड करिएगा, और आज वीक का क्लोज भी है तो लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा, क्योंकि कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूव भी लग सकती है और न्यूज़ भी काफ़ी हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ कोई ऐसी बड़ी जो है मूव लगने के चांसेस होंगे। तो यहाँ अब ये 2043 का जो एरिया है ये कुछ कदर एक माइनर सपोर्ट बनता है, अगर ये ब्रेक ना होता है इसे तो फिर ये दोबारा अपसाइड जा सकता है और फिर शायद ये ऊपर वाले एरिया को 2051 को ब्रेक कर दे, और अगर ना कर पाया ये अपसाइड ब्रेक ना कर पाया तो फिर यहाँ से ये दोबारा इस तरह की होता। तो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, तो वो हमें याद रखिएगा।